बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए हैं। वे साउथ सिनेमा में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं। एक्टिंग के साथ साथ फैंस को उनकी अदाई भी पसंद है। 2007 में श्रांग्रम से साउथ में और 2009 में दिल्ली 6 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अदिति का आज जन्मदिन है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अदिति राव हैदरी की पहचान एक्ट्रेस होने के साथ साथ हैदराबाद के शाही परिवार में जन्मी राजकुमारी की भी है। अपनी अदाओं से सबको कायल कर चुकी अदिति एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। राजघराने से आने के बाद भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। आज फैंस उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी अदाओं के भी कायल हैं। 28 अक्टूबर 1978 को हैदराबाद के तेलंगाना में जन्मी अदिति राव हैदरी का आज 38वां जन्मदिन है। वह अकबर हैदरी की परपोती हैं, साथ ही वह असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदरी की ग्रैंड भतीजी भी हैं। अदिति के परदादा अकबर हैदरी 1869 से 1941 तक हैदराबाद के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद साले अकबर हैदरी अदिति के चाचा हैं और वह असम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। बता दें कि अदिति ने 2007 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। उन्होंने साउथ की मूवी श्रृंगारम से करियर की शुरुआत की थी। इसके 2 साल बाद वे बॉलीवुड में आईं। हिंदी सिनेमा में अदिति ने दिल्ली 6 से करियर शुरू किया था। एक्ट्रेस के जन्मदिन पर हम आज बात करेंगे उनके बॉलीवुड से बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्मों की। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली 6 की। दिल्ली 6 में अदिति ने कैमियो रोल कर बॉलीवुड में अपना दाखिला करवाया था। तब उनका लुक भी कुछ अलग था। वे जैसी आज दिखती हैं वैसी वे इस फिल्म में बिल्कुल नहीं लगती थी। वहीं संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी पद्मावत में वैसे तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस थे, लेकिन अदिति ने भी अपनी मौजूदगी से दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ी। उन्होंने रणवीर सिंह की पहली पत्नी मेहरुनिसा का किरदार निभाया था। पद्मावत के बाद अदिति को जैसे इतिहास से जुड़े किरदार निभाने के ऑफर मिलने लगे। एक राजकुमारी के रोल ने उन्हें पसंद किया जाने लगा। 2023 में अदिति ने ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में अनारकली का किरदार कर सबको हैरत में डाल दिया था। वहीं हीरा मंडी की बात करें तो अदिति राव हैदरी को वो फिल्म मिली लाहौर की हीरा मंडी की कहानी दिखाती। इस सीरीज में उन्होंने बिब्बो जान का किरदार निभाया था। इस कैरेक्टर के लिए उनके चेहरे के हाव भाव ही नहीं बल्कि मुजरा कर रही एक महिला का नजाकत भरे अंदाज में चलना भी काफी पसंद किया गया था। अदिति राव हैदरी की यह सीरीज हीरा मंडी से पहले 2023 में रिलीज हुई। जी हाँ, बात कर रहे हैं जुबली की। इसमें एक्ट्रेस ने सावित्री नाम का किरदार निभाया था। एक बार फिर उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी थी। साथ ही रेट्रो अंदाज में उनके लुक को भी काफी पसंद किया गया था। आपको बता दें कि आज अभिनेत्री अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं। ऐसे में सभी की तरफ से अदिति राव को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।